दोस्तों अगर आप एफकेट 2021 को टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अनअकैडमी लेकर आ चुका है कई नए बैचेज, जिसमें दोस्तों एक सब्सक्रिप्शन में आप CDS, एफकेट, CAPF की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए एम एफकेट 2021 रिटर्न प्लस EKT प्रिपरेशन का कंप्लीट बैच आ चुका है। इसी के साथ साथ और भी कई बैचेज जो है एफकेट को डेडिकेटेड जो है लाइव हैं। सो यहाँ पर आपको सिंपली दोस्तों आना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन आपको टेन्योर चूज करना है कि कितने मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। जैसे ही आप टेन्योर चूज करते हो उसके बाद हैव अ रेफरल कोड में आपको एंटर करना है दोस्तों इंडियन। जैसे ही आप इंडियन एंटर करते हो दोस्तों एंटर करके आपको अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर 12 मंथ में मात्र जो है ₹660 पर मंथ आप जो है एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, और वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड और जो है टॉप एजुकेटर के द्वारा दोस्तों भारत के। और सिंपल आपको इसके बाद जो है आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है, देन सब्सक्रिप्शन जो है आपको ले लेना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों फाइनली जो है इंडियन एयरफोर्स ने एफकेट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 02/2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया। दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगा दोस्तों जो कि आपको जाननी चाहिए। अगर आप एफकेट 02/2021 को टारगेट कर रहे हैं तो किस प्रकार आप इसकी तैयारी कर रहे हैं ये भी कर सकते हो, ये भी मैं आपको जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखते रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट इसके ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों आपकी जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी जो है 1 जून है दोस्तों। 1 जून से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं है। और जो यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है भाई 30 जून। 30 जून तक आप इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों एग्जाम डेट तो आप सभी को पता है दोस्तों जनरली जो एयरफोर्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट का जो एग्जाम होता है वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त आप मान के चल सकते हो दोस्तों। लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका जो है एग्जाम हो जाएगा, लास्ट वीक ऑफ अगस्त में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों fk.cdse.in से जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एज लिमिट यहाँ पे क्या रखी गई है। जो एज लिमिट है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जनरल एज लिमिट बता रहा हूँ भाई, मैं आपको जो है एज लिमिट बता रहा हूँ, बाकी एक सेपरेट वीडियो भी मैं जो है डिटेल नोटिफिकेशन पर लेकर आऊंगा जिसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो जो एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है दोस्तों 20 से 24 साल रखी गई है, 20 से 24 साल जो है यहाँ पे एज लिमिट आपकी रखी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बताया ग्राउंड ड्यूटी, उसके बाद जो है एफकेट एंट्री, मेट्रोलॉजिकल एंट्री, सो यहाँ पर जो है एनसीसी एंट्री। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है दोस्तों ग्रेजुएशन तो आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 60% आपके जो है मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। उसके बाद अगर आपने इंजीनियरिंग कर सकते हो तो आप अलग जो है के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे ग्राउंड ड्यूटी हो गई दोस्तों, फ्लाइंग ड्यूटी, सो यहाँ पर उनके लिए सेपरेट जो है क्वालिफिकेशन होती है दोस्तों अलग अलग पोस्ट की। सो मैं नॉर्मल जो है दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो एफकेट एंट्री के लिए जो पोस्ट निकाली दोस्तों एफकेट एंट्री और एक आपकी जो है मेट्रोलॉजिकल एंट्री एफकेट एंट्री एंड मेट्रोलॉजिकल एंट्री, यहाँ पर जो एफकेट एंट्री में पोस्ट है दोस्तों वो आपकी जो रखी गई है 205 है, और मेट्रोलॉजिकल एंट्री में जो है आपकी कितनी पोस्ट है दोस्तों 24 पोस्ट है ना, मेट्रोलॉजिकल एंट्री में 25 पोस्ट है और आपकी एफकेट एंट्री में जो है 205 पोस्ट है। उसके बाद एनसीसी एंट्री में वेरियस जो है कैटेगरी वाइज होती है, सो ध्यान रखना दोस्तों ये आपकी जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। सो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों तो आप जो है ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है भाई, और एप्लीकेशन फी की अगर मैं आपको बताऊँ तो फी आपकी जो लगेगी वो ₹250 रहेगी दोस्तों, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया कि लास्ट जो है वीक ऑफ अगस्त में आपका एग्जाम होगा दोस्तों, और बेसिकली आप सभी को पता है किस दिन होता है, संडे के दिन आप मान के चल सकते हो लास्ट वीक में हो जाएगा दोस्तों। एग्जैक्ट डेट भी मैं आपको बता दूंगा नोटिफिकेशन में जो मेंशन है। सो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन की जो मेन डिटेल है दोस्तों, जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, सिलेक्शन बड़ा ही सिंपल होता है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आपका जो है एक CBT होता है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है भाई CBT। CBT को अगर आप क्वालिफाई करते हो दोस्तों तो आपका AFSB होता है दोस्तों। AFSB के बाद आपका जो है DV होता है भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, और जो आपका ये बैच है दोस्तों ये जुलाई 2022 में आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो ये आपकी जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो कि मैंने आपको बताई है वो सारी ही बता दी है। सैलरी की बात करूं, यहां पर अगर मैं सैलरी की बात करूं दोस्तों, सैलरी की तो यहां पर लगभग
56,100 से लेके दोस्तों 1,70,500, 56,100 से लेके दोस्तों 1,70,000 जो है 500 रुपए आपकी जो है पर मंथ की सैलरी रहेगी दोस्तों। मतलब ये मिनिमम आपका जो है पेमेंट स्केल जो है रहेगा। सो ये ओवरऑल दोस्तों सारी जानकारी मैंने दे दी है। 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, अप्लाई कर दीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसकी प्रिपरेशन आप जो है कैसे कर सकते हो। अगर मैं प्रिपरेशन के बारे में बताऊँ दोस्तों तो मैंने अपनी प्रोफाइल का भी लिंक दिया हुआ दोस्तों, अपनी प्रोफाइल का लिंक अनअकैडमी की, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। डेली आप सभी के लिए लाइव क्लासेस लेकर आता हूँ मैं। सो अनलॉक कोड अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, अगर आप पहली बार क्लासेस को देखोगे तो आपसे इनवाइट कोड मांगेगा दोस्तों। इनवाइट कोड में आपको एंटर करना है भाई इंडियन, इनवाइट कोड है दोस्तों मेरा इंडियन, इसको एंटर करके आप जो है मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप अनअकैडमी प्लस परचेज करना चाहते हो, अनअकैडमी प्लस परचेज कर लीजिए दोस्तों। नए बैचेस जो है स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पर जो है बैनर भी दिखा दूंगा कि कौन-कौन से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और आपको जो है स्टार्टिंग में मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। नए बैचेस अनअकैडमी पर स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, टॉप एजुकेटर जो कि खुद एफकेट को क्वालीफाई कर चुके हैं और जिन्होंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है दोस्तों जिन्हें एफकेट की टीचिंग का, उनके द्वारा नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। सो उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना होगा। यहां पर दोस्तों आप सभी को अगर आप 10% ऑफ चाहते हो, अगर आप 10% ऑफ चाहिए तो आप सभी मेरा रेफरल कोड है दोस्तों इंडियन, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने दोस्तों एफकेट से रिलेटेड, सो आप इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हो कि कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप जो है अधिक जानकारी भी ले सकते हो। सो दोस्तों आई होप कि आप सभी को सारी डिटेल क्लियर हो गई होंगी। एक सेपरेट वीडियो में डिटेल्ड जो आपकी एज लिमिट होती है, क्वालिफिकेशन होती है, नंबर ऑफ पोस्ट हो गई या फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद।